ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स की सबसे बड़ी पहेली है। ब्लैक होल रहस्यों से भरा हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ब्लैक होल फॉर्म कैसे होता है। अगर वो वीडियो आपको देखना हो तो ऊपर आई बटन में पॉपअप कर रहा होगा, आप जाके देख सकते हो, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लैक होल से जुड़े कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं हूं साकेत और आप देख रहे हैं फैक्ट्स वाला। ब्लैक होल्स कैन एक्चुअली फॉर्म न्यू यूनिवर्स। दैट साउंड क्रेजी। जैसे हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल एक दानव है और वह सब चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है जो भी उसके पास आती है। पर कुछ थ्योरीज के अनुसार ब्लैक होल आर द क्रिएटर, दे एक्चुअली फॉर्म न्यू यूनिवर्स। दैट साउंड इंटरेस्टिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि बिग बैंग से पहले क्या था? थ्योरीज के अनुसार कहा जाता है कि हमारे यूनिवर्स से पहले भी एक यूनिवर्स था और हम सब एक ब्लैक होल के अंदर जन्म लिए हैं। जब भी कोई यूनिवर्स अपने अंतिम समय में होता है तो उसमें ब्लैक होल के सिवाय कुछ नहीं बचता और सब ब्लैक होल आपस में जुड़ जाते हैं और सब एकत्रित हो जाते हैं। यह विशाल ब्लैक होल कॉन्ट्रैक्ट करते चला जाता है और एक सिंगुलैरिटी पॉइंट को रीच कर जाता है और अचानक से एक धमाका होता है, इसे हम बिग बैंग कहते हैं। तो ये ब्लैक होल विनाशकारी नहीं, क्रिएटर्स हैं। पर ये अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है, वी डोंट नो द ट्रुथ। ब्लैक होल बहुत मिस्टीरियस होता है। ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि वो यूनिवर्स के बड़े बड़े सितारों को खा जाता है। हमारे सन जैसे हजारों स्टार्स को तो एक साल में ही खा जाता है। इन सितारों को खाते वक्त एक ऐसी चीज निकलती है कि वो ब्रह्मांड के किसी भी चमक को फीका कर दे। जब ब्लैक होल का ग्रेविटेशन फोर्स अपने तरफ किसी स्टार को खींचता है तो स्टार का सारा मैटर ब्लैक होल की तरफ खींचा चला जाता है और इसके चारों ओर घूमने लगता है। इसे हम एक्रेशन डिस्क कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हॉट बॉडी ग्लो करती है, यह एक्रेशन डिस्क भी फ्रिक्शन के कारण ग्लो करने लगती है। इसका ब्राइटनेस इतना होता है कि इसका एक खुद का ही एक नाम है, क्वेजार। क्वेजार की चमक की आप कल्पना तक नहीं कर सकते। सोचिए ये कितना अनऑर्थोडॉक्स है। ब्लैक होल जो सबसे डार्केस्ट ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स की, वो सबसे ब्राइटेस्ट चीज को एमिट कर रहा है। ब्लैक होल में इतना ताकत होता है कि वो आसपास के स्पेस टाइम को ही मोड़ देता है। जितना ऑब्जेक्ट का मास होता है उतना वो स्पेस टाइम को मोड़ता है। ब्लैक होल का मास और डेंसिटी इनफाइनाइट होता है। इसके कारण स्पेस टाइम इतना ज़्यादा डिसऑर्ट हो जाता है कि स्पेस और टाइम ही बिगड़ जाता है, जिसके कारण ब्लैक होल से आप फ्यूचर या पास्ट में जा सकते हो। दैट्स इंटरेस्टिंग, इज़न्ट इट? उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।